दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों का बिहार जीविका की तरफ से एक नई वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें कि आप लोगों का अलग अलग पता और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो यहाँ पे जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दिया था कि बिहार जीविका में यहाँ पे बहाली आने वाली है। तो अभी जो है उसका ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है, साथ में उस बहाली का जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आप लोग का फुल एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि क्या क्या आप लोग का क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, इसका जो आप लोग का फुल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी हो चुका है और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी यहां पे एक्टिव कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप बिहार जीविका बहाली में आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोग वहां पे आवेदन करना होगा, क्या क्या आप लोगों का क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितना आप लोगों का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सब कुछ मैं आप लोग वहां पे बताने वाला हूं। और साथ में दोस्तों यहां पे क्या है कि आप लोग का ऑफिस असिस्टेंट हो गया, साथ में अकाउंटेंट हो गया, इस तरीके का जो पद है वो आप लोग वहां पे रखा गया है। तो ये आपके लिए जो है अच्छी बहाली हो सकती है। अगर आप लोग का इसमें योग्यता होता है तो 100% आप जो है इसमें अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा चांस है कि इसमें आप लोग वहां पे जो बहाली है वो आप लोग का हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं बिहार जीविका बहाली के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बिहार जीविका बहाली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके जो है आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में आप लोग को चेक करना है बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कॉमेंट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने जो बहुत सारा जानकारी दे रखा है, सारा जानकारी आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलता है, फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, क्लिक कर पे आप क्लिक कीजिएगा, आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पे जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का फुल डिटेल जो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का पहले जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था जिसमें कि कोई भी आप लोग यहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया था कि क्या क्या आप लोग का क्वालिफिकेशन रहने वाला है किस पोस्ट के लिए, लेकिन अभी जो है फुल डिटेल आप लोग का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो है आप लोग का पूरा जानकारी है कि कौन कौन सा यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाला है और उसके लिए क्या आप लोग का क्वालिफिकेशन मांगा गया। थोड़ा सा आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया, देख लीजिए स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पे आप लोग का बताया गया, यानी कि ये जो है राज्य स्तर की आप लोग यहाँ पे बहाली होने वाली है। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि सबसे पहले जो डायरेक्टर का जो पद रखा गया है इसमें अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और भी थोड़ा बहुत जानकारी है आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो है आप लोग का मिनिमम 18 साल का जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोग का चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ये जो बहुत ही हायर पोजीशन के लिए आप लोग यहाँ पे जो पोस्ट रखा गया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का पद रखा गया है, इसमें भी आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है जिसमें कि आप लोग का 12 साल जो मिनिमम आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी यहाँ पे आप लोग का जानकारी है जिसके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आप लोग का रहने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लिविंग गुड एंड इंटरप्राइजेस प्रमोशन का यहाँ पे पोस्ट रखा गया है जिसमें कि आप लोग का जो है पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है और इसमें भी आप लोग का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे मांगा गया है। फिर नीचे की जगह प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे पद रखा गया जो कि इंस्टीट्यूट एंड सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे रखा गया है जिसमें कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग का मांगा गया है और यहाँ पे भी आप लोग का 12 साल का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे मांगा गया है। तो ये सब जो पोस्ट है ये सब आप लोग का बहुत ही बड़ा बड़ा पोस्ट है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर तो यहाँ पे जो PG आप लोग यहाँ पे मांगा गया है, साथ में आप लोग का 7 साल का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वहाँ पे मांगा गया है। तो ये सब आप लोग यहाँ पे बताया गया है। फिर नीचे की जगह तो यहाँ पे और भी पोस्ट है, जितना भी पोस्ट है सभी के लिए आप लोग का जो फुल डिटेल है वो यहाँ पे जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। डाटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट का पद है जिसमें कि आप लोग का बीटेक अगर आप किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और 2 साल या फिर 3 साल का अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। फिर प्रोग्रामर का पद रखा गया है, इसमें भी अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 7 साल का आप लोग का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तभी आप यहाँ पे जो आवेदन कर पाइएगा। फिर यहाँ पे जो है एप डेवलपर का यहाँ पे पद रखा गया है जिसमें कि आप लोग का बीटेक किए होने चाहिए और यहाँ पे मिनिमम जो है आप लोग का 7 साल का आप लोग का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नीचे और भी आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इसमें जो किसी भी पद के लिए आप लोग का जो छोटा मोटा आप लोग का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है या फिर छोटा मोटा आप लोग का क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो आप लोग का एक पोस्ट रखा गया था ऑफिस असिस्टेंट का, यहाँ पे देख लीजिए ये जो सबसे छोटा आप लोग का पोस्ट माना गया था कि ये इस पोस्ट में आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो कम रहेगा, लेकिन इसमें भी आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन यहाँ पे रखा गया है, यानी कि अगर आप स्नातक पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा और मिनिमम जो 3 साल का आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो इसमें भी आप लोग का जो वही पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, और भी बहुत सारा पद है सभी के लिए आप लोग यहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा जो कि आप लोग का डायरेक्टली नंबर
नंबर के हिसाब से होगा, जो कि यहाँ पे बताएगा कि इन केस ऑफ मल्टीपल कैंडिडेट कोऑर्डिनेटिंग टेंथ नंबर, तो ऐसे में जो है आप लोग का आगे का जो नंबर होगा उसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो टेंथ का जो नंबर होगा उसको यहाँ पे लिया जाएगा, और भी यहाँ पे जो सारा जानकारी दिया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को जानकारी दे दिया कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वहाँ पे जारी हो चुका है। अगर आप लोग का क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच करता है तो आप लोग जो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले फिर से आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लिंक्स का यहाँ पे जो ऑप्शन है जो YTRC वेबसाइट पे, यहाँ पे आना है, फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक क्लिक है पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे कुछ आप लोग का जानकारी दिया गया, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है यानी कि जो नोटिस है वो भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप अपना जो नोटिस है उसको भी डाउनलोड कर पाइएगा। साइन अप यूजर का ऑप्शन है, इस पर आपको जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जो है सेलेक्ट करना है BRLPS, इसको आपको सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। पोस्ट अप्लाई, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सारा पोस्ट दिया गया है, आप यहाँ पे जो पोस्ट होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐप डेवलपर सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे योर नेम आप लोग को डालना है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, फिर आप लोग को ओटीपी डालकर आगे सबमिट करना है, तो आप लोग का एक रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप लोग जो है उसके माध्यम से यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा और आगे आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाइएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई और जीविका बहाली के लिए आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है सारा कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक के वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ के वीडियो को, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।